नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस में आने वाले हिंदी के जो 37 प्रश्न आते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। वो मैं आपको चैप्टर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिससे आप अपना हर एक चैप्टर की तैयारी पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है इस चैप्टर से। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज संज्ञा शब्द का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। 37 प्रश्न होंगे आपको। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें बहुवचन शब्द आपको बताना है। तो इसमें बहुवचन हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, इस वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो कौन सा शब्द करता है ये आपको बताना है। इसमें मुझे है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो इसमें कौन सा वाक्य एक वचन है? तो इसमें कल बहुत वर्षा हुई थी एक वचन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप हो जाएगा? तो इसमें जो वीर शब्द है वो वीरांगना का पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द जातिवाचक है? तो मनुष्य वो जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जो छाया का बहुवचन हो जाएगा छाया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। छाया का एक वचन और बहुवचन दोनों हमेशा समान रहते हैं। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? करण कारक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग है कोष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यास्वी शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये सहायता शब्द हमेशा एकवचन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें गरिमा शब्द वो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आय शब्द वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो सॉरी आय शब्द हाँ आय शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा, झाड़ नहीं होगा झाड़ू होगा इसमें, झाड़ू ठीक से लगा मैं कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही से नहीं है? तो किसका नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें संचालक का संचालिका होता है, संचारी संचारिका नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें संबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, संबल हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। लड़का बाजार से लौटा में अपादान का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें चिड़ियां उड़ गईं शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो किसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंध कारक के परसर्ग हैं? संबंध क्या होते हैं? काकी के और रारी रे, यानी काकी के दिए गए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो मच्छर शब्द वो स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का कौन सा उदाहरण? तो पेड़ से पत्ता गिरा ये मोस्ट
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बता दूँ, दूध शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो किस शब्द में है, तो समाचार दूरदर्शन प्रसारित हुआ था, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा करण से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समय को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है, तो किसमें प्रयोग किया गया ये आपको बताना है। तो कवियत्री सम्राट का होगा सम्राटगी, नेता को नेत्री, विदुर की विधवा, ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? तो किस शब्द में रखे गए ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें जीव शब्द पुल्लिंग नहीं है, जीव स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज संज्ञा के दृष्टि से क्या है? तो संज्ञा की दृष्टि से क्या है प्रयागराज ये आपको बताना है, तो यह व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये नहीं है प्रतिवेदना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें भाषा शब्द है वो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें शिक्षक शब्द है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कारक चिन्ह है, तो कौन सा कारक है, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे भाई यानी संबोधन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो शब्द है वो संज्ञा का जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द के लिए बहुवचन और एकवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? तो किस में नहीं पाए जाते हैं, तो ये नहीं पाए जाते हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अंगरक्षा शब्द क्या है? तो इनमें जो अंगरक्षा शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।